हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रुथ जीवन का सत्य में। दोस्तों, रंगों का त्योहार आने वाला है। होली कब है ये तो सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है और इसे मनाने का कारण क्या है? अगर आप इसके पीछे की कहानी को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, होली रंगों का त्योहार है। ये पर्व हर साल बसंत ऋतु के समय फागुन के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल 18 मार्च को देश भर में हर जगह होली खेली जाएगी। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। प्राचीन समय में होली को होलिका और होलाका के नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है कि सबसे पहले होली की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने फूलों के साथ खेलकर की थी। ये पर्व 2 दिन का मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। दोस्तों, होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद और उसकी भक्ति की। तो आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती में और ना ही आकाश में। असुर इतनी असीम शक्ति पाने के बाद इतना घमंडी हो चुका था कि वो खुद को भगवान समझने लगा था और अपने राज्य के लोगों के साथ अत्याचार करता था। सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया करता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई को मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह असुर पुत्र होने के बावजूद भी भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। हिरण्यकश्यप के डर से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किए कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की मृत्यु के लिए काफी षड्यंत्र रचे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के लिए अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भगवान द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को कोई भी नहीं जला सकता था। हिरण्यकश्यप ने एक और षड्यंत्र रचा और अपनी बहन होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती, क्योंकि उसे वरदान मिला है, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर से लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तो ये थी होली को मनाने के पीछे की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।